हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप नीचे कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 मीटर स्लाइडिंग विथ लीनियर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियंस पर सेकेंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है। कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है और वो अगर रोटेट कर रही है अलोंग विथ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड दिस इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो रोटेट करेगी, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाई VCM upon R, and VCM हमारी क्या वेलोसिटी होगी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो जब भी कोई हमारी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास हमारे पास हमारी दो टाइप की एनर्जी होंगी, जिसमें पहली एनर्जी जो होगी दैट विल बी ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन और जो दूसरी एनर्जी होगी दैट विल बी ड्यू टू प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन के केस में जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉडी का, वो रोल प्ले करेगा और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो बॉडी रोटेट कर रही है उस पर वो रोटेशनल एनर्जी हमारी डिपेंड करेगी। और जो हमारी प्योर ट्रांसलेशन यानी लीनियर वेलोसिटी के की वजह से जो हमारी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसलेशन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें एक हुप दिया हुआ है। हुप का मतलब ये है कि इट इज हैविंग सर्कुलर शेप जिसकी एक थिकनेस है टी और अंदर से वो हमारी हॉलो है, ठीक है, और इसका जो मास दिया हुआ है हमारा 2 kg दिया हुआ है, जो रेडियस दिया है वो 4 मीटर दिया हुआ है और इट इज स्लाइडिंग विथ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसकी लीनियर वेलोसिटी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ध्यान रखना है वी मे आर मे नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। यहां पर अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में कि हमारी जो वेलोसिटी है एट पॉइंट पी, जो कि हमारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो वेलोसिटी है वो सेम है, जब हमारा प्योर रोटेशन हो रहा है तो हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाएगी और हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारी ओमेगा आर होगी, जो कि रोटेशनल एनर्जी को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहां पर हमारी जो वी है और वीसीएम है दोनों अलग अलग है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वीसीएम की वजह से है, तो वी सीएम जो हमारी है दिस इज द सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो वेलोसिटी है वो है, तो जो ओमेगा होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय वी अपॉन आर। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी जो दी है वो 5 रेडियन पर सेकेंड में दी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा एंगुलर वेलोसिटी जो आपको रेडियन पर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, मास हमारा हो गया 2 kg, रेडियस हो गया आपका 4 मीटर स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा हुप के लिए हमारा होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर आपका हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हमारा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 64 प्लस 400, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 464 जूल्स आएगी। मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी होगी हुप में जब वो एक सर्टेन वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होगी एंड इट इज हैविंग दी एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स आपकी स्लाइडिंग भी हो रही है उसकी एज वेल एज अलोंग विथ रोटेशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिमेट्रिकल बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक बॉडी है हमारी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट कर रही है और जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हमारा 2 kg m² दिया है। मींस जो ICM की वैल्यू है वो हमारी 2 kg m² दिया हुआ है, विच इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इट इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 2 revolutions per second। तो यहां पर ये जो यूनिट है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल्स यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड कितने हो रहे हैं,
जिसको आप एफ से डिनोट करते हो दैट इज गिवन एज टू रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एक रिवोल्यूशन से हमारा अगर एक रिवोल्यूशन हो रहा है तो हमारा जो बॉडी में रेडियंस के टर्म्स में देखोगे तो इट इज रिवॉल्विंग 2π रेडियंस बिकॉज 360 वैल्यू है तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन एंड 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियंस बिकॉज 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो दैट विल बी गिवन बाई 2πf। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी गिवन बाई 2πn। अगर हमारा n की जो वैल्यू है n/60 अगर हमारा रिवोल्यूशन पर मिनट में है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है दिस इज रिवोल्यूशन पर मिनट बट यहाँ पर सेकेंड में ऑलरेडी दिया हुआ है f की वैल्यू तो यू कैन पुट डायरेक्टली 2 यानी हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 4π रेडियंस है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं इस उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारी ओमेगा है और इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा वो उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो है यहां पर 2 दिया हुआ है और हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारा 4π दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8π एज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिमेट्रिकल बॉडी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार व्हाइल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 100 मीटर्स। आपका जो रेडियस दिया है वो 100 मीटर्स दिया है जिसके अबाउट हमारी ये कार टर्न कर रही है एंड जो स्पीड दी है वो हमारी 36 kmph दी हुई है और आपको निकालना है एंगुलर स्पीड। तो इसका मतलब आपको निकालना है ओमेगा विच करस्पॉन्डिंग टू VCM। VCM इज द जो हमारा सर्कुलर पाथ पे जब व्हीकल चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसे हम VCM कह रहे हैं एंड इज दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट हमारी कार रोटेट कर रही है। तो अगर कोई बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है जिसका रेडियस r है तो हर पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी सेम होगी और उस टेंजेंशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप देखोगे तो इस परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट हमारी एंगुलर वेलोसिटी एक्ट करेगी करस्पॉन्डिंग टू दिस वेलोसिटी विच इज गिवन बाई VCM अपॉन r। तो यहां पर आप इस वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लोगे मीटर पर सेकेंड में इंटू 5/18 तो दिस विल गिव यू 10 m/s। तो यहाँ पे VCM आपकी होगी 10 m/s और जो रेडियस है वो आपका 100 मीटर्स है तो यू विल गेट 0.1 rads/s। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी जब हमारी कार जो है वो सर्कुलर पाथ पर टर्न कर रही है तो दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी फॉर द कार। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन। तो यहां पर टॉर्क को हम कह सकते हैं कि दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस उस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है जिसमें वो फोर्स लाई कर रही है। सपोज अगर ये मान लें कि हमारा एक प्लेन है एंड इस प्लेन में हमारी इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एफ है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी हम एक्सिस लेते हैं तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एफ इंटू दिस डी वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड द टॉर्क जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहेंगे। तो वो ये डिपेंड करेगा कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो आपका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों हमारे टॉर्क को डिफाइन करेंगे और किस एप्लीकेशन किस ये अगर हम ओरिजिन मान लें तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है फोर्स का उस पर भी हमारा डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है कि दिस इज द ओरिजिन पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में इस फोर्स की हमारी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड जो हमारा द मोमेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग फोर्स
इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और उसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी फोर्स की उसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यू विल गेट द टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ रोलिंग सिलेंडर। यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है सिलेंडर एक रोल कर रहा है और एक हमारा सिलेंडर स्लाइड कर रहा है। रोलिंग का मतलब ये है कि अगर किसी सिलेंडर, यहाँ पर टाइप ऑफ सिलेंडर नहीं दिया तो यहाँ पर मैंने दोनों सिलेंडर्स दिखाए हुए हैं कि इट इज वन इज सॉलिड सिलेंडर वन इज हॉलो सिलेंडर। तो जब भी हमारा सॉलिड सिलेंडर रोल करेगा तो इट विल बी हैविंग सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी और साथ में हमारा स्लाइडिंग बिहेवियर भी होगा। तो मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो होगी एनर्जी का, यहाँ अगर पर्टिकुलर हाइट मान लें एच नॉट, तो जो हमारी एनर्जी होगी एट रेस्ट वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसे आप एम जी एच नॉट आप लिख सकते हो, विच एच नॉट को अगर आप एच लिख लोगे तो इट विल बी गिवन बाई एम जी एच। एट रेस्ट हमारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जैसे ही बॉडी हमारी मोशन में आएगी तो हमारे जो मोशन हो रहे हैं दो तरीके के हो रहे हैं, एक हमारा लीनियर ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोलिंग के केस में, बट जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारा रोटेशनल मोशन है जिसमें जो मोस्ट ऑफ दी एनर्जी है वो हमारी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होगा वो ये कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी रेस्ट पर थी, आपकी फाइनल पोजीशन पे जो एनर्जी कन्वर्ट होगी, अगर वो माने कि हमारी इस फाइनल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी वी थी, यहां पर ये अज्यूम किया गया है कि हमारी जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी है वो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर है, तभी यहां पर जो ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है हमारी सेम रखी गई है, बिकॉज यहां पर हमारा ट्रांसलेशन एंड रोटेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी लीनियर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस इज द रोटेशनल एनर्जी जिसको आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ओमेगा जो है वो हमारा वी बाई आर है और जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आप देखोगे तो सिलेंडर के लिए हमारा, अगर हम ये मान लें सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए आपका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन बाई एम आर स्क्वायर बाई टू। तो आप उसके करस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एट द एंड लोकेशन, तो दैट इज गिवन बाई रूट 1.33 h। बट अगर यहां पर बॉडी का शेप अगर आप चेंज कर दोगे, अगर हम ये मान लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी, वो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि बॉडी के चेंज होने से हमारी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब दूसरा केस ये है कि हमारा हुप यानी हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए हमारा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो हमारी रूट जी एच आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर रही है, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो होगी, बिकॉज वहां पर हमारा केवल और केवल प्योर ट्रांसलेशन हो रहा होगा और उस केस में हमारा जो वेलोसिटी होगा वो लीनियर वेलोसिटी आपका कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ लीनियर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो उस केस में हमारी जो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो सिर्फ अगर हम स्लाइडिंग कंसीडर करेंगे तो देयर विल बी ओनली प्योर ट्रांसलेशन, तो हमारी वेलोसिटी जो आएगी रूट टू जी एच आएगी किसी भी शेप ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। तो अगर आप रेशियो देखोगे कि जो हमारा रेशियो है रोलिंग के केस में और स्लाइडिंग के केस में वेलोसिटीज का, तो दैट इज गिवन बाय रूट 4/3 अपॉन रूट 2। हम वेलोसिटी का रेशियो देख रहे हैं तो आपको मिलेगा रेशियो 0.816, दिस इज फॉर सॉलिड सिलेंडर। और अगर हम हॉलो सिलेंडर लें तो रोलिंग अपॉन स्लाइडिंग के केस में जो हमारा रेशियो होगा वो हमारा 1 होगा, बिकॉज दिस इज रूट जी एच अपॉन रूट 2 विच इज गिवन बाई 0.707।
तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि जो हमारी स्पीड है रोलिंग और सिर्फ स्लाइडिंग के केस में वो हमारी लेस देन वन होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। तो आपको ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली आपको शेप जो दिया हुआ है उसको कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक स्फीयर है और एक हमारा सिलेंडर है, हैविंग द सेम मास, उनका जो मास है वो सेम है, जिसे हम मान लेते हैं m है, और रेडियाई है हमारा दोनों का सेम, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हमारा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगा, तो रेस्ट की वजह से उस बॉडी में हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो बॉडी मोशन में होगी यानी इट रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन, मींस प्लेन जिसके अलोंग वो रोलिंग हो रही है वो हमारा सेम है, तो यहां पर हमारा रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगे। विच ऑफ द बॉडी गेट्स टू द बॉटम फर्स्ट, अगर ये मान लें कि हमारा पहले हमने स्फीयर कंसीडर किया तो हमारी टोटल एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन मोशन के बराबर होगी। इन रोलिंग डाउन द प्लेन द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड स्फीयर के लिए हमारा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर के लिए वो हमारा 2/5 mr² होता है। तो आप आई इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो यहां से आपकी जो वेलोसिटी आएगी यहां इस पोजीशन पे एट द एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो वेलोसिटी v होगी, विच इज गिवन बाय √1.43 gh। और अगर हम उसी सेम प्लेन पर सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर के लिए जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा होगा ½ mr² फॉर सॉलिड सिलेंडर। यही सेम वेलोसिटी आप आई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी मिलेगी 4/3 gh, जो कि मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट करके आपको बताया था, दिस विल बी गिवन बाय 1.3 gh। तो जिसकी वेलोसिटी, जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी वो हमारा कम टाइम में यहां पर पहुंच जाएगा, मींस वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी जो है वो हमारा किसका ज्यादा है, स्फीयर का ज्यादा है, तो स्फीयर का वेलोसिटी ज्यादा है तो टाइम टेकन बाय स्फीयर जो होगा दैट विल बी लेस देन दी टाइम बाय दी सिलेंडर। तो हमारा इट विल रीच एट दी बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट दी बिफोर दी सिलेंडर, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा सिलेंडर एट दी एंड ऑफ दी इंक्लाइन प्लेन। अब अगर बात करें रोटेशनल एनर्जीज की, तो अगर सिर्फ हम प्योर रोटेशनल मान, प्योर रोटेशन मान लें, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी ये रोटेशनल एनर्जी डेवलप होगी, तो रोटेशनल एनर्जी जो होगी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्फीयर का जो है वो 2/5 यानी 0.4 mr² है, विच इज लेस देन दी 0.5 mr² यानी mr² / 2 जो कि हमारा सिलेंडर का है। तो इसका मतलब जो रोटेशनल एनर्जी होगी हमारी स्फीयर की वो कम होगी, बट वो हमारा जल्दी पहुंच जाएगा। तो देखेंगे आप, तो स्फीयर विथ लेसर रोटेशनल है, स्फीयर आपका जल्दी पहुंचेगा बट इट विल बी हैविंग लेसर रोटेशनल एनर्जी एट दी बॉटम देन दी सिलेंडर। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक ये मान लेते हैं कि हमारी एक स्टिक है जिसकी लेंथ हमारी एल है और वो वर्टिकली हेल्ड है ऑन दी फ्लोर, ये हमारा फ्लोर है जिसपे हमारी एक स्टिक खड़ी हुई है जिसकी लेंथ हमने एल मान ली, एंड इट्स लेंथ गिवन इज 1 meter एंड इज देन अलाउड टू फॉल। अब इसको अगर हम हल्का सा भी एक फोर्स देंगे तो दिस इज अलाउड टू फॉल, तो जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन से में रेस्ट पर थी तो रेस्ट से हमने उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी इंड्यूस की सम एक्सटर्नल फोर्स, तो ये किसी भी पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी वी मान लेते हैं, उसकी वजह से हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी विच इज गिवन बाई वी अपॉन आर। आर जो होगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन से जो उसका रोटेशनल पाथ होगा अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास होगा इस स्टिक का, उसके अबाउट हमारा ये बॉडी रोटेट करेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रोटेट करती है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा जो है वो हमारा कितनी दूर पर होगा, वो हमारा होगा L/2 पर। तो इस लोकेशन पर जो हमारा टोटल बॉडी का मास है वो हमारा इसके सेंट्रोइड पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है,
तो हमारा उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी होगी कितनी, एम जी एच, और एम जी एच कितना लेंगे आप, एल बाई टू, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हमारा ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज गिवन बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड आई जो होगा हमारी स्टिक के लिए जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है दैट इज गिवन बाई एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ये आपको ध्यान रखना है, जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ अ स्टिक होता है जिसका मास m है और लेंथ l है, तो दैट इज गिवन बाई एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एंड ओमेगा जो होगा हमारा दैट इज गिवन बाई v बाई r। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको पता है और आपको क्वेश्चन में आपको निकालना है दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमारा क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ आपका, एम जी एल बाई टू, और जो गेन हुआ हमारा दैट इज गिवन बाई हाफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर। आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो रोटेट करेगा दैट विल बी गिवन बाई रूट थ्री जी बाई एल, एंड जो हमारा वेलोसिटी है एट द अदर एंड दैट इज गिवन बाई ओमेगा एल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी, बिकॉज यहां पर लेंथ जो है वो हमारी वन मीटर है, तो दिस वेलोसिटी विल बी गिवन बाई रूट थ्री जी। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हुप ऑफ रेडियस थ्री मीटर, यहां पर मैंने एक हुप दिया है जिसकी थिकनेस हमने मान लेते हैं इट इज हैविंग थिकनेस टी, और इसका जो रेडियस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो आर है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रोल कर रहा है, तो जब रोल करेगा तो इट विल बी हैविंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारा रोल करते समय सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड, मीन सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारी स्पीड है विच करस्पॉन्ड्स टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारी वेलोसिटी दी हुई है, तो इट इज अज्यूम्ड कि हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल करस्पॉन्ड टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। तो हमारी जो VCM है वो आपका दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हुप विल बी इक्वल टू, कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा अगर ये हुप हमारा मोशन में है तो इसको रोकने के लिए हमें उतना फोर्स वर्क करना पड़ेगा जितनी उस हुप की मोशन के दौरान एनर्जी होगी। ठीक है, तो दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मोशन में है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन में है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हुप का हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, एम आर स्क्वायर होता है हुप के लिए, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो यू विल गेट हाफ इन टू 100 kg आपका मास है और जो आपका रेडियस है वो 3 मीटर है, तो एम वी स्क्वायर हो गया, आपका जो ओमेगा है वो हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर आपका ओमेगा आपकी जो वैल्यू होगी That will be given by V upon R. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 100 V square is equal to 100 into velocity आपकी 0.2 meter square है, तो that will be given by 4 joules. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहां पर आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपने रखा था, M की वैल्यू आप एम आर स्क्वायर रखोगे। ठीक है, एंड दिस
ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ पे इसीलिए एम वी स्क्वायर हमारा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 4 जूल्स होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास एम है और रेडियस जो है आर है। इट रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग सिलेंडर। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर रोलिंग सिलेंडर जो रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन में उसका एक्सेलरेशन निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोई भी बॉडी जब हमारी वो रोटेट हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन इन प्रिंसिपल होता है जब हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है लीनियर ट्रांसलेशन, तो हमारा न्यूटन्स लॉ से जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हमारी बॉडी रोटेट कर रही है बिकॉज यहाँ पर टेंजेंशियल कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो हमारी जो पार्टिकल पे किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो दैट विल बी गिवन बाई टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। बट अब ये एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाई जो चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी कौन सी है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारी जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या है हमारी, ds अपॉन dt। अगर हमारा बॉडी रोटेट कर रही है तो ये डिस्टेंस जो होगी वो लीनियर डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगी जब बॉडी रोल कर रही होगी। तो s इज इक्वल टू r थीटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट v इक्वल टू ओमेगा r, जो कि हम अभी यूज करते हैं हर जगह पे। इसको आप ओमेगा r की जगह रखोगे तो यू विल गेट जो हमारा एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन है जब बॉडी हमारी लीनियरली ट्रांसलेट कर रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड अल्फा आर। तो आपने यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा आर रखी। अल्फा आर रखने के बाद आपका जो मास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर होता है। तो जो हमारा इस पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क होगा दैट विल बी कॉल्ड आर इंटू एफ टी। तो आर इंटू एफ टी आप सॉल्व करोगे तो आर हो गया और एफ टी जो हो गया एम आर अल्फा हो गया। तो दैट इज एम आर स्क्वायर आई अल्फा और आई हमारा एम आर स्क्वायर होता है। तो दैट गिवन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये अल्फा जो है ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आपने माना है। तो हमारा रोटेशन मोशन में जैसे आपकी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में होगा, वैसे रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क होगा वो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो अब अगर माने यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, वो हमारा रोल करके एक इंक्लाइन प्लेन में जा रहा है। तो ये हमारी इसकी फाइनल पोजिशन है। तो किसी भी पोजिशन पर अगर आप उसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हमारी समीशन ऑफ फोर्सेज होंगी वो हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन होंगी। ये हमारा लीनियर मोशन का बेसिक प्रिंसिपल है। बिकॉज हमारा लीनियर रोल करेगी बॉडी तो हमारा लीनियर ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो आपको लीनियर ट्रांसलेशन का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है और हमारी बॉडी पैरेलली रोल भी कर रही है तो हमारा एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो रोलिंग एक्सेलरेशन भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन दी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारा अल्फा है। तो जो टॉर्क हमने बताया दैट इज गिवन बाय आई इनटू अल्फा टॉर्क अराउंड रोटेशन एक्सिस। और ये हमारा रोटेशन एक्सिस है तो इसके अबाउट जो टॉर्क होगा दैट विल बी ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा वहां पर हमारी ये फोर्स डेवलप हो रही है। तो एफ एस इंटू आर इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा इंटरनल टॉर्क डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो आर एफ एस इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा और एफ एस इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये को ध्यान रखना है बिकॉज अल्फा जो है वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमारा ए बाई आर होगा, ठीक है। मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई इस बॉडी का जो रेडियस है जिसके अबाउट वो रेडियस बॉडी का जिसके अबाउट वो रोटेशन हो रहा है रोटेशनल एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो दूरी है वो हमारी आर है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए बाई आर,
ठीक है, तो हमारा जो mg साइन थीटा है ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है, माइनस एफ एस इज इक्वल टू लीनियर डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है m इंटू ए है, इसको आप बैलेंस करोगे और इस एफ एस की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारा एक इक्वेशन निकल के आएगा विच इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो दैट इज गिवन बाई जी साइन थीटा वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारा जो बॉडी है जो रोटेट कर रही है वो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज गिवन बाई एम आर स्क्वायर बाई टू। तो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिलेगी टू बाई थ्री जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स डाउन अ प्लेन। यहाँ पर हमारा जो बॉडी रोल डाउन कर रही है वो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के केस में हमारा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप फिर से टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है एट द एंड अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट विल बी गिवन बाई 5 बाई सेवन जी साइन थीटा। आप यहाँ पर जैसे ही ये वैल्यू सब्सट्यूट करोगे एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द लीनियर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी 5 बाई सेवन जी साइन थीटा मिलेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के फर्दर वीडियोज में बनाता रहूंगा। थैंक यू।